नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सत्य स्टडी सेंटर में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, आज हम सिंह राशि का वर्ष 2019 का भविष्य फल बताएंगे। इस वर्ष शनि धनु राशि में पंचम भाव में रहेंगे। 23 मार्च को राहु मिथुन राशि में एकास भाव में प्रवेश करेंगे और 23-29 मार्च को गुरु धनु राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर फिर से 23 अप्रैल को वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और फिर मार्गी होकर 5 नवंबर को धनु राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2019 में करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर इस साल धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। धन संबंधी मामलों में भाग्य का साथ मिलने से आय में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक और विवाहित जीवन सामान्य रहेगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं आपके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वर्ष 2019 का सिंह राशि फल। आर्थिक जीवन, आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष विशेष अनुकूल है। धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी और इस वर्ष आपके बड़ी मात्रा में धन लाभ होने का प्रबल संकेत है। आप इस वर्ष कोई नया घर अथवा वाहन खरीदेंगे। अचानक धन लाभ होने के साथ साथ रुके हुए पैसों की भी प्राप्ति होगी। यदि किसी भी व्यापार में धन निवेश करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, जिससे आपको धनार्जन में सहायता मिलेगी। निवेश करने के लिए समय उपयुक्त है। आप इस वर्ष अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा करेंगे और इसका आपको जबरदस्त फायदा होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। निवेश अथवा शेयर बाजार से आपको धन लाभ मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भविष्य फल 2019 की माने तो वर्ष दो आपको खर्च बढ़ सकता है, इसलिए धन की बचत पर भी ध्यान दें। जीवन साथी की ओर से आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस वर्ष आप अपने उधारी को चुकाएंगे। आर्थिक सुधार के कारण व्यापार और मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के लिए आपकी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अपेक्षित नतीजे मिलने के कारण आपकी आत्मसंतुष्टि भी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, हालांकि बाद में परिणाम आपके अनुकूल रहेगा। कोशिश करें कि विवाद ज्यादा ना बढ़े। इस वर्ष आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। आप घर, जमीन या फिर वाहन खरीद सकते हैं। यदि बैंक में आपको लोन बकाया है तो इस वर्ष उसे चुकाएंगे। आर्थिक संपन्नता के कारण समाज के प्रभी लोगों से आपकी बोझ बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। साल के अंत में धन को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय धन हानि होने के संकेत है। करियर, इस साल सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल करियर की दृष्टि से सामान्य नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का विवाद हो सकता है। साल के मध्य में स्थिति में सुधार नजर आएगा। इस दौरान आपको आगे बढ़ने से के मौके मिलेंगे। अपने सीनियर्स को सम्मान करें और उनकी विदेश नजर को सही से पालन करें। साल के अंत में स्थिति और भी सुधार होगा। इस दौरान आपकी पदोन्नति संभव है। टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह साल अपार संभावनाएं लेकर आ रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में लोगों को अधिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए निराश हाथ लग सकती है। इस क्षेत्र में आपको करियर बनाने से आपकी मरक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि व्यापार में ईमानदारी बरते और लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करें। कच्चा तेल, रिफाइनरी, गैस, लोहों से संबंधित व्यापार में अधिक मुनाफा होने की संकेत है। डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया भी करियर के लिए अच्छे क्षेत्र हैं। इसमें आगे बढ़ने की ढेरों संभावनाएं हैं। इससे आपके नाम और शोहरत दोनों ही मिलेगी। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ रहेगा। करियर में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए यह वर्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है। यह वर्ष तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी, मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि के लिए श्रेष्ठ है। एकाद स्थान में राहु की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला सकता है।
उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वह जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन्हें कामयाबी के लिए जमकर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। साल के प्रारंभ में पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय परिस्थितियां आपके विपरीत रहेंगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा और खेलकूद में प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि किसी अन्य कारण से आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। साल के दूसरे चरण में परिस्थितियों में सुधार होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। इस समय आप जमकर मेहनत करेंगे, खासकर बोर्ड की परीक्षार्थियों को जिस तरह जमकर मेहनत करेंगे, जिससे परीक्षा में उनको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। पढ़ाई का यह सिलसिला साल के अंत तक जारी रखें। हालांकि इस समय छात्रों को अपने मूल्यांकन स्वयं करना होगा। आपके मित्र क्लासमेट्स आपको पढ़ाई में मदद करेंगे। रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को शोध का विषय सोच समझकर चुनना होगा, तभी उनको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। चतुर्थ स्थान का गुरु परिवार में सुख शांति और वातावरण बनाएंगे रखेंगे। आपको माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। यह वर्ष संतान का जन्म का शुभ समाचार लेकर आएगा। आपके पिताजी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बच्चे की स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं समाप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। साल 2019 आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम संकेत दे रहा है। इस साल आपकी घर में खुशियों का वातावरण देखने को मिलेगा। घर में भाई बहनों के बीच सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि पिताजी से आपका वैचारिक मनमुटाव हो सकता है और अथवा उनके सेहत में गिरावट आ सकती है। घर में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। इस साल नन्हे मेहमान का भी आगमन हो सकता है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। इस साल परिवार आपकी ट्रिप अथवा किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। साल की शुरुआत में घर की ओर से आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस दौरान आपके परिजनों से भी किसी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसके अलावा घर में किसी तरह की धार्मिक आयोजन भी संभव है। वही मध्य में परिवार में किसी सदस्य की सेहत में कमी देखी जा सकती है। ऐसे में उनकी सेहत का ख्याल रखें। घर में बच्चों की तरक्की को माता पिता का चेहरा खुश दिखाई देगा। माता जी की सेहत को भी लाभ मिलेगा। घर में बड़ों का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इससे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी तरक्की की राह पे आगे बढ़ेंगे। साल के अंत में घर के किसी सदस्य का विवाह होने की प्रबल संभावना है। इससे घर में खुशियां आएंगी और सभी रिश्तेदारों के से मिलना होगा। शादी एवं बच्चे। संतान की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आपको बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान प्राप्ति के लिए तथा गर्भाधान आदि के लिए समय उपयुक्त है। इस वर्ष आपकी संतान को तरक्की कार्यों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में सफलता मिलेगी। आपकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करेंगे, विश्वसनीयता हासिल करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल सामान्य से बेहतर नजर आ रहा है। जीवन साथी को किसी भी प्रकार की बीमारी घेर सकती है, लिहाजा उनकी सेहत का ख्याल रखें। विवाह योग्य जातक इस वर्ष परिधि सूत्र में बंध सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चले। यदि आप उनके साथ बात को लेकर रुठ गए हैं तो उन्हें प्यार से मनाएं और यह विश्वास दिलाएं कि आगे से यह तरह की प्रोन्नति नहीं होगी। इस वर्ष साथी के साथ किसी लंबी दूरी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए सुखदायी रहेगी। अच्छे जीवन साथी बनने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं का न केवल समझना होगा बल्कि उनके विचारों का भी कद्र भी करनी होगी। साल के मध्य में जीवन साथी के प्रति आप अधिक आकर्षित होंगे। इस समय आप उनके प्रति आकर्षित रोमांटिक नजर आएंगे। आपको संतान प्राप्ति के भी संभावना है। साल की शुरुआत में बच्चों की सेहत में कमी देखी जा सकती है। ऐसे में उनकी सेहत का ख्याल रखें। शिक्षक से क्षेत्र में बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको उन पर गर्व महसूस होगा। पढ़ाई लिखाई में उनकी जरूरतों को पूरा करें। इस साल अपने बच्चे अपने जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर दिखाई देंगे। प्रेम जीवन। इस साल आपको अपने प्रेम में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में प्रियतम के साथ प्रेम मिलाप ठीक प्रकार से होगा, परंतु बाद में छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों में बहस संभव है। इससे बचने के लिए प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखें और साथी पर आकर्षण शक ना करें।
ध्यान रखें, यह साल प्रेम जीवन के लिए सामान्य रहेगा, इसलिए इस वर्ष को प्रेम के लिए अनुकूल बनाने के लिए अपने प्रति काफी जतन करने की आवश्यकता होगी। जैसे यदि साथी का मन कहीं घूमने कर रहा है तो उन्हें अपने घुमाने ले जा सकते हैं, उन्हें बीच बीच में प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं, किसी सहकर्मी से प्यार हो सकता है। ऐसी स्थिति में पहले उनकी आदतों को अच्छी तरह से परख ले। साल के मध्य में साथी पर किसी प्रकार का दबाव ना डाले, क्योंकि इस प्रकार आपकी सरकार का रिश्ता नाजुक मोड़ पर रहेगा। कोशिश करें इस समय वासनात्मक विचारों को ना लाए तो यह आपके लिए बेहतर होगा। वही साल के अंत में प्रेम के लिए प्रतीतियां अनुकूल रहेगी, इस समय प्यार का पूरा आनंद उठाया जा सकता है। हालांकि लोगों की नजरों से बचकर रहें, वे आपको बदनाम कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा तथा आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। आपकी योगासन के साथ साथ व्यायाम सीखने में भी रुचि बढ़ेगी। आपके घर का अच्छा वातावरण तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता एवं निरंतर धन लाभ आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य रखेगी, क्योंकि आप पूर्णतः तनाव मुक्त रहेंगे। इस साल आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी और आपके विचारों में सकारात्मक भाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपका मन खुश रहेगा। साल के प्रारंभ में आपको अपने गैस और अपच जैसी शिकायत रह सकती है। यही साल के मध्य में आपको मौसम परिवर्तन के दौरान होने वाली छोटी मोटी बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। तंदुरुस्ती और मानसिक शांति करने के लिए आपको आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षण रुकाव बढ़ेगा। कुछ मौसमी बीमारियां आपको तंग कर सकती है। थकान से बचने के लिए मनोरंजन सबसे अच्छा तरीका है, इससे आपकी ताजगी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर इस साल आपको खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। यात्रा के दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल है। वर्ष आरंभ के दौरान द्वादश स्थान में राहु विदेश यात्रा के प्रबल योग बना रहा है। नौकरी करने वालों का मनोनुकूल स्थान पर स्थानांतरण होगा। आप अपने जन्मभूमि की यात्रा करेंगे अथवा इस स्थान पर जाएंगे जहाँ आपकी माता का निवास स्थल है। धार्मिक कार्यों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में केतु और वृष चरण के प्रभाव से आप मंत्र जाप क्रियाओं में निशांत होंगे। आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुभ पाया, नित्य प्रति सूर्य को जल चढ़ाएं। बुधवार के दिन गणेश जी को धूप चढ़ाएं एवं गणेश चालीसा का पाठ करें। तो यह था सिंह राशि के लिए होगा वर्ष 2019 का भविष्य फल। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।